स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर इन दिनों हर तरफ भूचाल मचा हुआ है। बिहार की सियासत में भी अगर कोई मुद्दा सबसे ज्यादा उठ रहा है तो वो है स्मार्ट प्रीपेड मीटर। लोगों का कहना है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर से बिल काफी ज्यादा आता है, पहले इतनी ज्यादा बिल नहीं उठती थी, लेकिन जब से प्रीपेड मीटर लगा है तब से बिजली बिल काफी ज्यादा हो गया है। ऐसे में जनता भी इसका काफी विरोध कर रही है। आए दिन ऐसी खबरें निकल कर सामने आती रहती है जहां पर बिजली विभाग के अधिकारी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने जाते हैं तो गांव वाले उन्हें मारकर भगाते हैं। जी हां, अक्सर आपने सुना होगा विपक्ष भी लगातार सरकार के स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर सवाल उठा रहा है। लोगों का कहना है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर से पैसे काफी ज्यादा लग रहे हैं। जी हां, पूरे बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का भारी विरोध हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में स्मार्ट मीटर का तो नाम सुनते ही ग्रामीण मरने मारने पर उतारू हो जा रहे हैं। ताजा मामला पश्चिम चंपारण के बेतिया से सामने आया है जहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पहुंचे बिजली विभाग के कर्मियों को भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। स्मार्ट मीटर लगाने गए बिजली कर्मियों को ग्रामीणों ने लाठी डंडे एवं झाड़ू से मारकर गांव से भगा दिया है। इस दौरान स्मार्ट मीटर का विरोध करने पर जब बिजली कर्मियों ने पोल पर चढ़कर पूरे गांव की बिजली काटने की कोशिश की तो महिलाओं ने उन्हें घेर लिया और भागी भारी हंगामा करने लगी, जिसके बाद बिजली कर्मियों ने वहां से भागना ही मुनासिब समझा। हंगामे में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल पूरा मामला योगापट्टी प्रखंड के चौमुखा पंचायत के ननकार गांव की है जहां रविवार को बिजली कर्मी गांव में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंचे थे। गांव वालों ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने से मना कर दिया, जिसके बाद बिजली मिस्त्री ने गांव का लाइन काटने का धमकी दिया और ट्रांसफर की तरफ जाने लगा। इस पर गांव वाले आग बबूला हो गए और महिलाएं अपने हाथों में झाड़ू लाठी डंडे से लैस होकर मिस्त्री को घेर लिया। लाइट काट कर जब मिस्त्री नीचे उतरा तो जैसे तैसे गांव से जान बचाकर भागा। महिलाओं का कहना है कि गांव में स्मार्ट प्रीपेड मीटर नहीं लगेगा, बिजली कर्मी जबरदस्ती गांव में स्मार्ट मीटर लगाने आए हैं, मना करने पर गांव का बिजली काट दिए हैं, उसको लेकर हंगामा हुआ है। तब जाकर मिस्त्री पोल से उतरा, गांव का लाइट काटने से महिलाओं ने बचा लिया। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो आप जरा सोच लीजिए कि जहाँ स्मार्ट प्रीपेड मीटर का भारी विरोध हो रहा है, एक तरफ शहर में तो लोग बिजली विभाग के अधिकारी जाके लगा दे रहे हैं, लेकिन वहीं अगर वो गांव पहुंच रहे हैं तो उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि ताज़ा मामला पूर्वी चंपारण के बेतिया का था जहां पर जैसे ही बिजली विभाग के अधिकारी गाँव पहुँचते हैं और स्मार्ट मीटर लगाते हैं, वहां की महिलाएँ रोड पर उतर जाती हैं, झाड़ू डंडे लाठी जो हाथ में मिलता है उसको लेकर स्मार्ट मीटर लगाने वाले बिजली विभाग के अधिकारियों को मार भगाती हैं। जी हां, ऐसे में आप समझ सकते हैं कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर का कितना ज्यादा विरोध हो रहा है। कई बार खबरें आई हैं कि स्मार्ट मीटर लगाने पहुंचे बिजली विभाग के अधिकारी को गांव वालों ने मारकर भगाया है, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई है। महिलाओं ने झाड़ू से मारकर बिजली के अधिकारियों को भगाया है। जी हां, झाड़ू डंडे और लाठी से लैस महिलाएं रोड पर निकल गईं और बिजली विभाग के अधिकारियों को दौड़ा दौड़ा कर भगाया है। ऐसे में एक बिजली विभाग का अधिकारी पोल पर चढ़ा कि हम पूरे गांव का लाइट काट देंगे तो महिलाओं ने उन्हें घेर लिया कि वो कुछ भी नहीं कर पाए। ऐसे में महिलाओं ने बिजली कटने से तो बचा ली, लेकिन आपको बता दें कि एक तरफ जो है सरकार और सत्ता पक्ष कह रही है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर अच्छा है, तो दूसरी तरफ जनता ने भारी विरोध कर रखा है। जनता का कहना है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर बहुत ज़्यादा ही खराब है, इसलिए इससे बिजली बिल कई ज़्यादा आता है। लोगों का कहना है कि पहले बिजली बिल कम आते थे, लेकिन जब से प्रीपेड मीटर लगा है बिजली बिल कई ज़्यादा आते हैं। ऐसे में विपक्ष भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर को एक मुद्दा बनाए हुए है, जनता के साथ खड़ी हो गई है और सरकार से मांग कर रही है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर को हटाया जाए, ख़त्म किया जाए, क्योंकि भारी विरोध का सामना सरकार को इस बार स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर करना पड़ रहा है। जनता का कहना है कि हम स्मार्ट प्रीपेड मीटर नहीं लगने देंगे। शहर में तो बिजली विभाग के अधिकारियों ने लगा दिया है, लेकिन यही बिजली विभाग के अधिकारी अगर गांव जाते हैं तो उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गाँव वाले उन्हें दौड़ा दौड़ा कर भगाते हैं। ऐसे में इस बार तो हद हो गई, झाड़ू से मारकर महिलाओं ने बिजली विभाग के अधिकारियों को गाँव से भगाया है और कहा है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर नहीं लगने देंगे।
अगर है किसी में दम तो लगा के दिखा दे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर विपक्ष जो है वो भी सवाल उठा रहे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो आए दिन इस पर सरकार को घेरते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और राजद के कार्यकर्ता अक्सर हड़ताल पर बैठते हैं। इसके साथ ही उनका कहना होता है कि सरकार जनता के समक्ष काम करे, जनता के लिए काम करे, स्मार्ट प्रीपेड मीटर को हटा दे। ऐसे राजद की तरफ से अक्सर ये कहा जाता है कि हम स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर जनता के साथ हैं, सरकार को स्मार्ट प्रीपेड मीटर ख़त्म कर देना चाहिए। ऐसे में इस बार भारी विरोध का सामना करना पड़ा है और स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर पूर्वी चंपारण में बड़ी खबर आई है, जहां पर महिलाओं ने बिजली विभाग के अधिकारियों को झाड़ू से मारकर भगाया है, लेकिन स्मार्ट प्रीपेड मीटर नहीं लगने दिया है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को आप क्या समझते हैं? क्या आपके लिए ये अच्छा है? स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC24 पर। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे पेज को फॉलो कर लें। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।